देखिए क्वेश्चन है हमारे पास एक बक्से में दस कार्ड एक से दस तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं एक बक्से में दस कार्ड एक से दस तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं इन्हें अच्छी तरह मिलाया गया इन्हें अच्छी तरह मिलाया गया तथा बक्से से एक कार्ड याद निकाला गया प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या तीन से अधिक है तथा इसकी संख्या सम तो सुने एस हमारे पास क्या है एस हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ए हमारे पास घटना है कि तीन से बड़ा अंक हो चार पाँच छः सात आठ नौ दस बी घटना क्या हमारे पास है संख्या समो दो चार छ आठ दस ठीक है अब ये पता कर लो कि प्रायिकता कैसे चाहिए यह बात यहाँ से पढ़ते हैं प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या तीन से अधिक है ये बात कन्फर्म है तो इसकी संख्या सम हो इस बात की प्रायिकता चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम होने की इस सम वाली ये है तो बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए कब जब ए कन्फर्म हो तो जिसका फार्मूला क्या होता है प्रॉबलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए और बी में कॉमन क्या है देखिए कितनी घटनाएं कॉमन हैं ए और बी में कॉमन कितनी घटनाएं हैं चार छ आठ दस चार घटनाएं है कॉमन हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बन जाएगा चार कितने में से दस में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है एक दो तीन चार पाँच छ सात सात बटे दस दस से दस कट जाएगा आंसर आ जाएगा चार बटे सात क्लियर है एक क्वेश्चन और है आपके लिए वो भी सुन लें क्वेश्चन ये है किसी प्रश्न को ए कॉमा बी कॉमा सी के हल करने की प्रायिकता क्रमशः तीन बटे दस एक बटे पाँच एक बटे दस हो तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है तो हमने आपको बताया था ना प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता ये तो नहीं कह रहा कौन प्रश्न हल करे तो लिखेंगे प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता जिसको हम क्या कहते हैं प्रश्न के हल हो जाने की प्रियता को क्या कहते हैं कम से कम किसी एक द्वारा प्रश्न हल हो जाए कम से कम किसी एक द्वारा प्रश्न हल हो जाए ये बात हमको चाहिए कम से कम किसी एक द्वारा प्रश्न हल हो जाए प्रश्न के हल हो जाने पर यही तो होती ना कम से कम किसी एक द्वारा प्रश्न के हल हो जाने की प्रैक्ता हो हो जाने की प्रखता ये दोनों बातें एक ही हैं अगर ये पूछे तब भी यही बात ये पूछे तो भी यही बात तो जिसको हम कहते हैं वन माइनस कोई प्रश्न हल ना कर पाए कोई प्रश्न हल ना कर पाने की प्रायिकता तो वन माइनस कोई प्रश्न हल ना कर पाए पहला भी ना कर पाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश दूसरा भी ना कर पाए प्रॉब्लटी ऑफ बी डैस प्रॉबलिटी ऑफ़ सी डैस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया बार बार बोल रहा हूँ मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे बताऊँ कितना इम्पॉर्टेंट है वन माइनस प्रॉबलिटी ऑफ ए डैस दस में से तीन बार हल कर लेता तो हल नहीं कर पाएगा सात बार प्रॉबलिटी ऑफ़ बी डैस एक एक बार हल कर लेता पाँच में से तो हल नहीं कर पाएगा चार नौ बटे दस वन माइनस जो कटे वो काट लीजिए दो पाँच सात दूनी चौदह और और तो कुछ नहीं कट रहा नहीं कट रहा अभी ये भी कट रहा है दो से पाँच ये भी कट रहा है सात नेम तिरसठ बटे एक सौ पच्चीस तो एक सौ पच्चीस माइनस तिरसठ बटे एक सौ पच्चीस आंसर आ जाएगा दो बासठ बासठ बटे एक सौ पच्चीस हमारा उत्तर आ गया ठीक है याद रखना प्रश्न के हल हो जाने की प्रक्रिया ऐसे निकालेंगे क्लियर है और अगर ये कहता किसी एक द्वारा प्रश्न हल हो जाए तो दूसरी कंडीशन बन जाती ठीक है याद रखिएगा भैया